एक दिन में 4 मूवीज देखी लगातार। क्यों? क्योंकि मुझे ह्यूमन लिमिट टेस्ट करनी थी कि मौत कितने पे आती है। और जो मूवीज मैंने देखी उसकी लिस्ट देखकर तुमको पता चल जाएगा कि मरने की पूरी तैयारी थी मेरी। रात को नींद ठीक से हुई नहीं क्योंकि 1:30 बजे तक पॉडकास्ट चालू था, सिर्फ 6 घंटे मिले सोने। निकल पड़ता हूँ सुबह 9:30 बजे, दूसरे शहर जाना है मुझे जहाँ 1 घंटा लगता है पहुँचने में। शो है मेरा सुबह 10 बजे का। कैसे मैनेज करूंगा मैं बिन डीजल बन के? 50 मिनट में पहुँच गया लेकिन मॉल की पार्किंग बंद, तो यू टर्न मार के एग्जिट से एंट्री लेनी पड़ी। फाइनली टचडाउन होता है 10:17 पे, यानी कि 17 मिनट लेट हूँ मैं। लेकिन पीवीआर आईनॉक्स में 15 मिनट एड दिखाते हैं और मेरी जो घड़ी है वो 4 मिनट आगे है क्योंकि टाइम ट्रैवलर है मैं। जल्दी पहुँचने की टेक्निक बता रहा हूँ, सीख लो। लिफ्ट खुलते ही स्वागत करते हैं अपने भाईजान। टिकट लेकर सिक्योरिटी चेक पहुंचने में 10:24 हो गए। पहली मूवी के लिए ही लेट हो गया क्या? स्क्रीन का दरवाजा खोल के देखता हूं तो भाईजान ने फिर से स्वागत किया, मतलब अपन लेट नहीं है। और मूवी का नाम मैंने अब तक नहीं बताया, तो वो है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। नाम सुन के क्या ख्याल आया तुम्हारे माइंड में? झूठ नहीं बोला, मुझे भी वही लगा था। बट मूवी की रेटिंग UA है, मतलब कि हर कोई देख सकता है, लेकिन 12 साल से छोटे जो है उनको पेरेंटल गाइडेंस लगेगा। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन विमल को मुंह में दबाने के लिए पैसे नहीं है। सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, मूवी की स्टोरी ऐसी है कि इसके अंदर पुणे की एक स्कूल टीचर का वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो दारू पीकर 2 लोगों के बीच में नाच रही है। स्कूल को कैसे चलेगा तो वो नौकरी से निकाल देते हैं और पॉसिबली सजनी शिंदे कर लेती हैं। हाँ, इस टाइप के पिक्चर है। इतना सब कुछ पहले 15-20 मिनट की स्टोरी बताई मैंने, अब इसके आगे पुलिस को पता लगाना है पूरी पिक्चर में, क्या वो जिंदा है क्या वो मर गई, उसके पेरेंट्स का क्या रोल था और उसका फियांसे की कितनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। जैसे जैसे हम लोग उसके पास्ट के बारे में जानते हैं चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने लगती है और उसका इंटरवल वाला पॉइंट काफी सही था। सोचते हो कि क्या हुआ ये? मोस्टली मराठी एक्टर्स को कास्ट करने का डिसीजन काफी सही क्योंकि ये स्टोरी पुणे के आसपास ही घूमती है और उनकी फैमिली भी वहीं की है। सजनी के भाई का जिन्होंने रोल किया वो एक्टर, छोटा रोल बड़ा इंपैक्ट। जिस तरीके से मर्सिडीज को पत्थर मार के तोड़ते हैं ना, एकदम गजब सीन। सजनी के फादर जो एक थिएटर आर्टिस्ट है उनका भी एक बहुत सही सीन लिखा है जिसके अंदर डायलॉग कुछ ऐसा था, एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है जब नाटक खत्म हो जाए लेकिन पर्दा ना गिरे। मेरा स्ट्रिक्ट फादर बनने का नाटक तो खत्म हो गया लेकिन अब पर्दा नहीं गिर रहा है। जिसने भी लिखा है काफी कमाल लिखा है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, जितना मुझे याद है मैंने कोशिश करी। लेकिन मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने इसका पोस्टर देखा था बस, नो ट्रेलर। एकदम ही लो लेवल वाले एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, बट मूवी ओवरऑल अच्छी है। तो अगर तुमको भी एक मर्डर मिस्ट्री देखने का मन कर रहा है तो इसको एक चांस दे सकते हो, या फिर राधिका मदन के लिए भी, क्योंकि पूरी मूवी हुक करके तो रखती है इस मिस्ट्री के अंदर, बट इसका जो एंड है ना उसका रिवील तुम एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग आएगा, नहीं। उन्होंने रियलिज्म को थोड़ा सा फेवर किया है सरप्राइज फैक्टर के बदले। सरप्राइज तो मैं हो गया था जान के कि 12:30 बज चुके इस पिक्चर को खत्म होने में, क्योंकि मेरा नेक्स्ट शो 12 बजे था। तो मैं एक सीन से निकला, वापस टिकट काउंटर पे जाके दूसरी बार टिकट ली। गणपत? हाँ। टिकट की क्या है तुम्हारा? 1। हाँ, गणपत देखने जा रहा हूँ मैं दूसरी बार। पानी की बोतल पहले ही ले ली ताकि मिर्गी के दौरे पड़े तो खुद को मार के जगा सकूं। तुमको बिलीव नहीं हो रहा तो स्क्रीन चेक कर लो, गणपत। लेकिन क्योंकि मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो मेन दरवाजे पे ही बोर्ड लगाया गया है कि डू नॉट ओपन, और मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि जाऊं या नहीं। पैसे दिए हैं, वीडियो बनाना है, तो दरवाजा खोला मैंने और वहीं पे खड़े होकर अपनी जिंदगी को बंद होते हुए देख रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ी हैं और पिक्चर देखा मैंने, मोबाइल नहीं चलाया उस टाइम पे। तुम सोच रहे होगे कि क्यों ऐसा काय वो कर रहा है मैं, कहीं पहली बार गणपत को देखते टाइम गलती तो नहीं होगी मेरी, एकदम से एनालाइज कर लिया कंटेंट। ये ट्वीट भी मैंने मूवी चलते हुए नहीं किया था। सच बताऊं तो एक सीट छोड़ के एक कपल बैठा हुआ था, उन्हीं की बातें सुनते सुनते मैंने पहला पूरा हाफ निकाला है, इसलिए इंटरवल के टाइम पे मेरा रिएक्शन ऐसा था नहीं। बट वो एक्चुअल रीजन जिसके कारण मैंने ये मूवी दूसरी बार जाके देखी, क्योंकि मुझे वो लेजेंडरी मोमेंट विटनेस करना था अपनी ही आंखों से, जहां पे वो लोग बैकग्राउंड से ग्रीन स्क्रीन निकालना भूल जाते हैं और उसको मैंने अपने ही हाथों से रिकॉर्ड किया है तुम्हारे लिए। जुड़ने बोलूंगा एक अचीवमेंट सी फील हो रही है भाई, सिनेमा हिस्ट्री का पार्ट है ये। उसके आगे की पिक्चर देखी नहीं मैंने क्योंकि मेरी आंखों के सामने मौत का नंगा नाच चल रहा था और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था उसके लिए जो मूवी खत्म होने के बाद मेरे साथ होने वाला था। गणपत देखकर हो गया, पिक्चर पूरी देखी है मैंने और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, आई एम टोटली फाइन। क्या
ने फिर से काउंटर टिकट ली। इस बार तो सिक्योरिटी वाले भी दूर से देखकर बोल रहे हैं, निर्लज तू फिर आ गया। आज के दिन की थर्ड मूवी थी विक्रांत मैसी की 12th फेल। काफी अच्छी बातें सुनी थी इस मूवी के बारे में और मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे। इसने डिसअपॉइंट तो नहीं किया बल्कि गणपत का जो मेरी सारी बीमारी थी निकाल कैसे बाहर फेंक दिया। चेहरे पे जो मेरे स्माइल देख रहे हो ना, वो इस 12th फेल के कारण है। एक अच्छी मूवी देखने की खुशी। चंबल का एक बहुत ही सीधा साधारण लड़का 12th फेल डिसाइड करता है कि वो IPS ऑफिसर बनेगा। सुनने में काफी ज्यादा सिंपल लग रहा होगा तुमको, बट डीप जाती है कई बातों को लेके ये पिक्चर। कि जब एक ऐसा लड़का 12 घंटे आटे की चक्की में काम करने के बाद पढ़ाई करे, उसी के सामने जब करप्शन से लेके झूठ बोलने तक की सिचुएशन खड़े हो जाएंगे तो वो उसको कैसे डील करेगा। पिताजी जो उसकी लाइफ में एंटी करप्शन की पहली मिसाल थे, वही जब उसी के सामने टूट जाए तो ये लड़का क्या करेगा। बहुत ज्यादा हिट कर देने वाली स्टोरी है और इसके स्टार्टिंग में स्पेशली जिस तरीके का कैमरा वर्क दिखाया है, लंबे वाले शॉट्स वो भी एकदम शेकी, जिसके कारण चंबल का वो थोड़ा एजी फील आए। ऊपर से विक्रांत का परफॉर्मेंस, उसको एकदम गरीब दिखाया बट हंसते हंसते जैसे वो एकदम सीरियस बातें बोल देते हैं, इसको तो मिस नहीं करना चाहिए। मेरी खुद की सिटी में आज 4 दिन होने के बाद भी शोज लगे नहीं है, बट तुम्हारे यहाँ पे अगर अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली इसको एक चांस देना। पक्का देखो, यू सर्टिफिकेशन है, बच्चे बूढ़े पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो। 12th फेल एकदम पास, रोना आ गया तो झूठ नहीं बोलूंगा। 3 मूवीज देखने के बाद टाइम हो चुका था 6:50 शाम के और मेरा प्लान था कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का क्रिकेट मैच देखकर घर चला जाऊंगा। हाँ, वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच थिएटर के अंदर लगाया है बट उसके लिए दूसरे थिएटर जाना था आईनॉक्स से निकल के PVR में, तो मैं निकल पड़ता हूँ। 10 मिनट में पहुंचकर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, साइड में ऑडी खड़ी थी वनडे। टिकट खरीदने के लिए दिन में 14 बार काउंटर पे गया। 7वां शो जवान, हाँ जवान। वहां पहुंचकर देखा तो शो लगा हुआ था, मौका था, दस्तूर भी मैंने इस मूवी की ओपनिंग मिस कर दी थी तो सोचा देख लेते हैं। 4th बार सिक्योरिटी चेक में लगे, राज कुंद्रा की मूवी का ट्रेलर दिखाया, फिर जवान की बारी। यानी कि मौत के पैसे से 2 विमल खरीद सकता तू, एक अपनी और एक अपने दोस्त की। जो मैंने पहले 5 मिनट मिस करे थे ना, उसको देखने के बाद इतना ही बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन नहीं मार दिया। इसके आगे की पूरी पिक्चर मैंने देख रखी थी लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आ ही गया हूँ, मैच काफी लंबा चलने वाला है तो थोड़ा बैठ के और पिक्चर देख लेता हूँ। क्योंकि सेकंड टाइम तुम बहुत सारी नई चीजें नोटिस करते हो जो पहली बार मिस हो जाता है, जैसे कि इसका म्यूजिक। पहली बार मैंने मुंबई में देखा था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो इतना ज्यादा शोर मचा हुआ था ना, कुछ सुनाई नहीं दिया। बाप की एंट्री तक रुक गया जो कि इंटरवल के ठीक पहले, और मैं अकेला चिल्ला रहा। इंटरवल में बाहर निकल के डायरेक्ट मैच वाली स्क्रीन में ही घुस गया क्योंकि दोनों टिकट ले रखे थे और उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर था 95-6। मेरे जाते ही आधे घंटे मैच खत्म हो गया तो जिम्मेदार कौन। अब ये जो मैच को थिएटर में दिखाने वाली चीज है ना, आइडिया बहुत ज्यादा सही है क्योंकि पिक्चर हॉल में जाकर एक लाइव इवेंट देखना वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है बिना स्टेडियम में जाए। इतनी बड़ी स्क्रीन है जो तुम घर पे बिल्कुल ही नहीं लगा सकते और जो लोगों का एटमॉस्फियर, इतने पास पास में चिपक के बैठे हैं, विकेट लिया तो चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा इशू है कि ODI मैचेस में ये चीज, मतलब 8-9 घंटे वहां पे बैठना बहुत ही लंबा हो जाता है क्योंकि सीट पे तुम पांव यहां वहां फेंक भी नहीं सकते, तो दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर T20 और फुटबॉल मैचेस। तुम बताओ फाइनल मैच थिएटर में देखूं क्या, वीडियो देखना पसंद करोगे। 13 घंटे घर से निकलने के बाद फाइनली रीच्ड होम और जितना सोचा था उतना टायर्ड नहीं था मैं। एक अच्छा दिन गया, अच्छी मूवीज देखी तो इसकी नहीं। कुछ तूफानी करने का मन था तो कर दिया, तुमको भी करना है तो फिर ये वीडियो चेक कर सकते हो, चैनल की मैंने खुद की वेब सीरीज बनाई है। ओके मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।